हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेकंड हम लोग जो है सेट देखने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा कंप्यूटर साइंस क्लास 12। टोटल फुल मार्क्स जो है वो आपका 35 है और आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 1.5 घंटे का। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने हर जगह खोजा है, मुझे ये क्वेश्चन पेपर कहीं मिला नहीं। हाँ, किसी स्टूडेंट्स के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए ये क्वेश्चन मुझको मिला, तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रैक्टिस के लिहाज से आप इस क्वेश्चन पेपर का जो है ना, इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि इस सेट नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो है इस सेट में 19 है, जिसमें से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को तीन सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो 1 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, आपको जो है एक लाइन में, 1 से 2 लाइन में ही आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्या होता है वो लिखिए। देन व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन C++ में डेटा टाइप्स क्या होता है वो लिखना है। राइट अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के सेट को लिखना है। चौथा जो आपका है वो फोर्थ क्वेश्चन, C++ में कीवर्ड्स क्या होता है। फिफ्थ, व्हाट इज टपल इन रिलेशन, रिलेशन में टपल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ नेटवर्क, और क्वेश्चन नंबर 7, SQL स्टैंड फॉर, SQL का फुल फॉर्म लिखना है। तो 7 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से केवल आपको 5 का आंसर करना है। नाउ सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी जो है आपको जो है केवल 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स का होगा, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर, 5 नंबर को जोड़ने का C++ में एक प्रोग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10, C++ क्या, C++ में क्लास क्या होता है वो लिखना है, और आपको जो है डिफरेंट टाइप्स के जो विजिबिलिटी मोड है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो है कि प्रोग्राम का आउटपुट आपको बताना है, प्रोग्राम कोड आपका यहाँ पर दिया हुआ है, उस प्रोग्राम कोड का आपको आउटपुट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी क्या होता है वो बताना है, और बताना है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी, जितने भी टॉपोलॉजी होते हैं उसका प्रकार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, उसके बारे में बताना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो लिखिए, ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट से सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है ये आपको जो है बताना है, और एक इनहेरिटेंस पे बेस्ड एक C++ में प्रोग्राम भी लिखना है। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है राइट अ प्रोग्राम ऑफ एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, यानी आपको जो है प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप एरे में, है ना, एक एरे में जो जितने भी डेटा है उसको सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट से रिलेटेड कभी प्रोग्राम एग्जाम में नहीं आया है, हमेशा जो है इसका एल्गोरिथम पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ओप्स, फिर से पूछ रहा है कि ओप्स क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर आपको और लॉन्ग लिखना होगा, और आपसे कहा जा रहा है कि ओप्स के एडवांटेजेस को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, और स्टैक में जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट क्या होता है, और डिफ्रेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट कीजिए एंड गेट और ऑर गेट में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर जो है एक टेबल दिया गया है, और इस टेबल पर बेस्ड आपसे कुछ जो है सवाल पूछा गया है, आपको इनके लिए कमांड लिखना है। ये जो भी सवाल है, ये जो भी क्वेरी है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए आपको कमांड लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, काफी आसान आसान सा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है। तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर अलग से बनाया गया है, उसी क्वेश्चन पेपर को जो है ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज ओप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है।
ये क्वेश्चन आपको पहला सेट में भी देखने को मिला होगा, तो आप चाहे तो उसी आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने बता दिया है कि पहली बात की ओओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। ठीक है, पैराडाइम मतलब प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब होता है प्रोग्राम करने का तरीका। ठीक है, तो द वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। वाज इन्वेंटेड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ पीओपी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को इन्वेंट किया गया था किस चीज को दूर करने के लिए? जो भी कमियां पाई गई थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें जो भी कमियां पाई गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए हमारा नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम डेवलप किया गया जिसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस? ये भी क्वेश्चन आपने पिछले सेट में देखा होगा, रिपीटेड है। तो डेटा टाइप्स आर मींस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करना कि डेटा किस प्रकार का है, साथ ही साथ आप उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, उस डेटा से जुड़ा हुआ क्या क्या ऑपरेशन आप कर सकते हो। C++ में डेटा टाइप्स दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप और डेराइव डेटा टाइप। तो हमने आंसर को शॉर्ट या बहुत शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि वन मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को सेट, लॉजिकल ऑपरेटर के सेट को लिखिए। तो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर ये है जो कि कहलाता है लॉजिकल एंड, ये कहलाता है लॉजिकल और ये कहलाता है लॉजिकल नॉट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में कीवर्ड क्या होता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है? एक खास वर्ड होता है जिसका लैंग्वेज कंपाइलर में अपना एक खास मीनिंग बतलाया गया है। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज के लिए इन कीवर्ड्स को रिजर्व करके रखा गया है। एंड मस्ट नॉट बी यूज एज नॉर्मल आइडेंटिफायर। और इसको आप नॉर्मल आइडेंटिफायर जैसे कि वेरिएबल के नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, वॉइड है, डू है, और भी बहुत सारे जो है ये सब कीवर्ड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टपल इन ए रिलेशन? रिलेशन का मतलब हमारा होता है टेबल। ठीक है, तो टेबल में टपल क्या होता है? तो अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल। ठीक है, यानी टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को ही हम लोग टपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? बात यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की हो रही है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तोड़ तोड़ करके चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा गया है कि जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट कैन एक्सचेंज डेटा। इस प्रकार से आपस में कनेक्टेड है कि वो अपने डेटा को एक्सचेंज कर सके, है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज सके, एंड शेयर रिसोर्सेस विथ ईच अदर, अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सके। दिस नेटवर्क डिवाइसेस यूज अ सिस्टम ऑफ रूल। ये जो नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होते हैं ये क्या करते हैं? एक सिस्टम का, है ना, सिस्टम ऑफ रूल, ये कुछ रूल को फॉलो करते हैं। दिस आर कॉल्ड, इन रूल्स को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, तो इसी प्रोटोकॉल्स, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए जो है इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है ओवर फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजी। या तो फिजिकल मतलब केबल के माध्यम से हम भेज सकते हैं, या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, नेटवर्क किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का, SQL stands for, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ सेक्शन बी, सेक्शन बी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। डिफरेंस लिखना बड़ा आसान है, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए और दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए, हो गया आपका डिफरेंस। तो यूनिरी ऑपरेटर के बारे में आप जानते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड और बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड। एग्जाम्पल में आपको बता देना है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, एड्रेस ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये सभी यूनिरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल है। जबकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये सभी बाइनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन,
क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी फाइव नंबर, पांच नंबर को जोड़ने का सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखिए। अगर आपको ध्यान होगा पिछला सेट नंबर 1 में सेम क्वेश्चन था, वहां पर बस कह दिया गया था कि दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम कीजिए। तो पहले वाले प्रोग्राम की तरह ही ये प्रोग्राम बनेगा, पिछले वाले में दो नंबर को जोड़ना था, यहाँ पर पांच नंबर को जोड़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हैज इंक्लूड iostream.h मेन फंक्शन, फिर हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, num1, num2, num3, num4, num5 और एक टोटल, यानी पांच वेरिएबल और ये एक छठा वेरिएबल। यहाँ पर मैंने लिखा इंटर फाइव इंटीजर नंबर, पांच इंटीजर वैल्यू डालिए सीन, पहला वैल्यू num1 में, दूसरा वैल्यू num2 में, तीसरा वैल्यू num3 में, चौथा वैल्यू num4 में, पांचवा वैल्यू num5 में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्लास इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है, ये क्वेश्चन भी सेट नंबर 1 में हम लोग देखे थे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कुछ क्या पूछा है, वो ये पूछा है कि बताइए विजिबली मोड के बारे में। तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा आंसर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है मार्क्स के हिसाब पर, मार्क्स के हिसाब से तीन मार्क्स का है तो थोड़ा सा आंसर हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है। मैंने ये लिखा है कि अ क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, क्लास जो होता है वो एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। क्लास ऑब्जेक्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, और ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं और बिहेवियर को लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्लास क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, ऑफन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस। तो हमारा जो क्लास होता है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपका क्लास जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन भी होता है। अगला पॉइंट कहता है क्लास जस्ट बाइंड्स डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन, क्लास क्या करता है, डेटा उससे जुड़ा हुआ फंक्शन को आपस में बाइंड करता है, अंडर वन यूनिट देयर बाय इनफोर्सिंग इनकैप्सुलेशन। तो इस प्रकार से ये जो है बाइंड करता है डेटा और उससे जुड़ा हुआ फंक्शन को और एक यूनिट बनाता है। ठीक है, क्लास इज अ यूनिट, एक यूनिट बनाता है जिससे हमारा कौन सा फीचर आपका जो है कंप्लीट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, आगे बताया गया है कि अ क्लास डिफाइंस अ ब्लूप्रिंट फॉर अ डेटा टाइप, क्लास जो है एक डेटा टाइप के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है, क्योंकि आप जानते ही हो क्लास क्या होता है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, वो इसको बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। नेक्स्ट है थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड। ठीक है, विजिबिलिटी मोड तीन प्रकार का होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है, जो यहाँ पर कहा गया था लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ये है आपका प्रोग्राम कोड, देखिए यहाँ पर क्या है, फोर लूप लगा हुआ है, इंट आई इक्वल टू वन, यानी आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू वन है। ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू जो वन है क्या वो पांच से छोटा है, लेस देन इक्वल टू फाइव, तो बोलेंगे हाँ कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो लूप के बॉडी में आइए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट करने बोल रहा, तो आई का वैल्यू तभी वन है, तो आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वन प्रिंट करेगा विथ स्पेस। फिर यहाँ से जाएंगे प्लस प्लस आई, आई का वैल्यू जो है बढ़कर के अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर जाके कंडीशन चेक होगा इज टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो आप बोलेंगे हाँ टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन आपका ट्रू है। ठीक है, कंडीशन आपका क्या है, कंडीशन आपका ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो फिर से जाइए लूप के बॉडी में, अब बोलता है कि आई का वैल्यू फिर से प्रिंट कीजिए, तो आई आपका टू हो गया, तो क्या प्रिंट करेगा, टू प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से आई का वैल्यू आपका बढ़ता चला जाएगा, थ्री होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगा, आई का वैल्यू जब फोर होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगा, आई का वैल्यू जब फाइव होगा बढ़ करके तो भी कंडीशन ट्रू होगा। तो जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार आई का करंट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो थ्री प्रिंट करेगा, फोर प्रिंट करेगा, फाइव प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू बढ़ करके सिक्स होगा, कंडीशन चेक कीजिए, सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, नो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पर, तो हम लूप के बॉडी में नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, यानी रिटर्न जीरो, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग को जो प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये नेटवर्किंग से है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी क्या होता है, और राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी का नाम लिखना है। तो देखिए नेटवर्क टॉपोलॉजी या टॉपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, नेटवर्क टॉपोलॉजी का मतलब होता है कि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, चाहे वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उसको आप किस पैटर्न में जोड़ रहे हो, आप उसको किस पैटर्न में जोड़ रहे हो। जैसे जोड़ने का पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग पैटर्न होता है, ये अलग अलग जो अरेंजमेंट होता है
जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको नेटवर्क टॉपोलॉजी बोलते हैं। तो कहता है टॉपोलॉजी मे डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क का जो फिजिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसको जो है डिफाइन करता है आपका टॉपोलॉजी। तो खैर आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का जो जो डेफिनेशन है ये मेन है आपका। नाउ अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी होता है, बस टॉपोलॉजी होता है, रिंग होता है, स्टार होता है, ट्री होता है, मेस होता है। मेस का दो प्रकार होता है, फुल मेस और पार्शियली मेस और हाइब्रिड। इसके अलावा और भी जो है टॉपोलॉजीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ का नाम लिखना था तो हमने कुछ का नाम लिख करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के एग्जाम के लिए, सेट में दिया हुआ अलग बात है। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपका सवाल है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन इज ए डेटाबेस डिजाइन टेक्निक। ये एक डेटाबेस को डिजाइन करने का टेक्निक होता है, ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन टेक्निक होता है दैट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन करता क्या है? तो डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है? कम करता है। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होता है ये सब चीज जानने के लिए आपको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेट, डिलीशन, एनोमलीज। साथ ही साथ ये नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, कुछ अनडिजायरेबल चीजें होती हैं जैसे इंसर्शन एनोमली होता है, अपडेट एनोमली होता है, डिलीशन एनोमलीज होता है। ठीक है, इन चीजों को क्या करता है, इन चीजों को वो दूर करता है। अब देखिए एनोमलीज को अभी समझाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये और भी जो है चर्चा का एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन रूल्स डिवाइड्स लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि बड़े टेबल को छोटे टेबल में क्या करता है, छोटे टेबल्स में बांट देता है, एंड लिंक देम, और फिर वो जितने भी छोटे टेबल है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन ही लिंक करता है। ठीक है, लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप। और नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के आधार पर उन टेबल को आपस में लिंक करता है। द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल इज टू एलिमिनेट रिडंडेंट। ठीक है, जो पर्पस होता है नॉर्मलाइजेशन का एसक्यूएल में वो ये होता है, एलिमिनेट मतलब हटाना। किस चीज को हटाना? जो आपका रिडंडेंट डेटा है, जो रिपीटेटिव डेटा है, वो रिपीटेटिव डेटा को हटाना, एंड इंश्योर डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली। ठीक है, और डेटा को अच्छे तरीके से लॉजिकली स्टोर करने का इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को ना कि वो पूरा डेफिनेशन याद करने जाता है, उसको याद नहीं हो पाता, तो जो लाइन आपका इजी है उस लाइन को ही आप केवल याद करो, बाकी जो है उसको छोड़ दो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है ना, जैसे एक लाइन आपने यहाँ पर पढ़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसको आप पढ़ लो क्या कि वो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जितना भी सेंटेंस है उसको एक एक पॉइंट मान करके आप जो है जो पॉइंट्स है ना, जो सेंटेंस आपको ईजी लगता है, समझ आता है, उसी को याद करो, उसी को केवल लिखो। नाउ आगे क्या बोलता है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छी बात है। कि द इन्वेंटर ऑफ द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल का इन्वेंटर कौन था, यहाँ भी एक एमसीक्यू में सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है। तो उसका होता है एडर कोड, है ना, ये व्यक्ति का नाम था जिन्होंने रिलेशनल मॉडल को क्या किया, इन्वेंट किया। ठीक है, प्रपोज द थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इन्होंने ही ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो थ्योरी है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो प्रपोज द थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और पहला रूल उन्होंने निकाला था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल निकाला था, जिस पहले रूल को हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एंड ही कंटिन्यूज टू इंटेंड थ्योरी विद द सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दो रूल उन्होंने और निकाला जिसको कहा गया आगे चल करके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेटर ही ज्वाइंड रेमंड एफ बॉयस, फिर बाद में एक व्यक्ति और जुड़े, ठीक है, उनके काम में, टू डेवलप द थ्योरी ऑफ बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। और जो चौथा जो रूल निकला उसका नाम था, है ना, बॉय नहीं बॉयस्कॉड, है ना, बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म। इसमें देखिए कि दोनों व्यक्ति का यहाँ पर नाम है ना, यहाँ पर जो है बॉयस दूसरे व्यक्ति का नाम और कॉड पहले व्यक्ति का नाम, इसलिए चूंकि दोनों ने मिलकर रूल बनाया था इसलिए चौथे रूल को कहा गया बॉयस्कॉड नॉर्मल फॉर्म। तो ये था नॉर्मलाइजेशन रिलेटेड बात। नेक्स्ट है व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये भी इसको हम आउट ऑफ सिलेबस मान करके चल रहे हैं, लेकिन आंसर बता दिया, आंसर आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर कह रहा है कि इनहेरिटेंस का आपको क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इनहेरिटेंस जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, उसका एक की फीचर होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपका इनहेरिटेंस। इट अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू क्लास, ये हमको अलाउ करता है कि हम एक नया क्लास बनाएं जिसको हम लोग डिराइव क्लास कहेंगे,
फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, यानी जो पहले से कोई क्लास मौजूद है जिसको हम बेस क्लास बोलते हैं, तो पहले से मौजूद बेस क्लास जो होता है, जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है, उससे हम जो नया क्लास बनाते हैं उसको डिराइव क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास से आप नया क्लास बनाते हैं, ये आपको अलाउंस मिलता है इनहेरिटेंस में। आगे कहा गया है कि द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द फीचर फ्रॉम द बेस क्लास, जो डिराइव्ड क्लास होता है वो बेस क्लास के फीचर्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है, लेता है, एंड कैन हैव एडिशनल फीचर ऑफ इट ऑन, इसके अलावा जो नया क्लास होगा उस नए क्लास ने अपना खुद का भी नया प्रॉपर्टीज लिया हुआ होगा। इसका एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रोग्राम से कुछ और समझने में आपको आसानी होगा। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में कमेंट में बता दिया गया कि हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम एनिमल है। अब एनिमल जो क्लास है उसके अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाया ईट, ठीक है। अब एनिमल है तो वो एनिमल तो खाना तो खाता ही है, तो आई कैन ईट। उसके अलावा एक फंक्शन और बनाया है स्लीप नाम का, आई कैन स्लीप, एनिमल तो खाता भी है सोता भी है। तो यहाँ पर जो है ये क्लास हम लोग को यहाँ पर खुला और यहाँ पर क्लास हमने बंद कर दिया। तो हमने एक एनिमल नाम का क्लास बनाया जिसके बारे में बताया गया कि एनिमल जो होता है वो खाता भी है और सोता भी है। नाउ हम लोग एक डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं, जिस डिराइव्ड क्लास का नाम हमने क्या रखा है, डॉग रखा है। तो क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम डॉग, फिर यहाँ क्लोन, फिर पब्लिक, फिर एनिमल। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है एनिमल क्लास से डॉग नाम का क्लास बना रहे हैं, ठीक है। एनिमल नाम के क्लास से डॉग नाम का क्लास बना रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या जो है डॉग जो है क्या वो खाता और सोता नहीं होगा, बिल्कुल खाता और सोता होगा। दैट मीन्स एनिमल क्लास से डॉग क्लास बनाया है, यानी एनिमल क्लास के जो फीचर है यानी कि खाना और सोना, ये ऑटोमेटिकली डॉग क्लास में आ जाएगा। लेकिन डॉग क्लास में इसका अपना एक फीचर क्या होगा, बार्क। बार्क मतलब होता है भौंकना, ठीक है। अब सारे जानवर तो भौंकते नहीं है, तो डॉग जो है डॉग में एक स्पेशल जो है आपका यहाँ पर एक फीचर डाल दिया गया, भौंकना। तो आई कैन बार्क, कि मैं भौंक भी सकता हूँ। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो एनिमल था वो मेरा बेस क्लास था, और जो मेरा डेराइव क्लास है, जो क्लास मेरा निकला उस क्लास का नाम था क्या, डॉग। तो जो डेराइव क्लास था उसने बेस क्लास का फीचर को एक्वायर किया, यानी खाना और सोने वाला बात जो है वो डॉग क्लास में ऑटोमेटिकली आ गया एनिमल क्लास से, और डॉग क्लास का अपना जो फीचर था बार वो इसमें एक्स्ट्रा अपने आप एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो आपने काम देखा कि एक क्लास से दूसरा क्लास निकला और पहले क्लास का फीचर को दूसरे क्लास ने एक्वायर किया, इसी मैकेनिज्म को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर मेन फंक्शन में आइए। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा डॉग डॉग वन, तो डॉग इज ए क्लास डिराइव क्लास और डॉग वन इज ए क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा डॉग वन डॉट इट, यानी डॉग वन जो है क्या वो खाएगा, बिल्कुल खाएगा। डॉग वन क्या स्लिप करेगा, बिल्कुल स्लिप करेगा। तो आप देखिए हो क्या रहा है कि डॉग क्लास का जो है ऑब्जेक्ट आप बनाए डॉग वन, और इससे आप बात कर रहे हैं कि यार डॉग सोएगा, तो बिल्कुल सोएगा, ठीक है। डॉग जो है क्या वो ईट करेगा, क्या वो खाना खाएगा, बिल्कुल खाएगा, क्योंकि ये जो चीज है ईट और स्लीप जो है ये इनहेरिट होकर के आया हमारा डिराइव क्लास में। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, सेक्शन सी में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए राइट अ प्रोग्राम ऑफ एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, तो ये जो सॉर्टिंग है ये मुझे आप लोगों को समझाने में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, इसको समझाने का मतलब है कि कम से कम एक घंटे का समय लगेगा ये कोड को समझाने में, ठीक है। तो लिख दिया गया है आपको कोड, आप कोड को देख लीजिएगा ध्यान से, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोग्राम, ये जो कोड है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ओओपी, फिर से वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कह रहा है और इसका एडवांटेज कह रहा है। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जो ऊपर मैंने लिखा है वो आप चाहे लिख सकते हो, चाहे आप फिर इस आंसर को भी लिख सकते हो। अगर आपने पुराना वाला आंसर को पढ़ा है तो ये आंसर आपको समझ में आ सकता है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप छोड़ दो, लेकिन एडवांटेज यहाँ से देख लो। एडवांटेज क्या बताया गया है, मॉड्युलरिटी फॉर इजियर ट्रबल शूटिंग, देन बताया गया रीयूज ऑफ कोड थ्रू इनहेरिटेंस, फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इन चीजों को अभी समझाया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि हर एक चीज को समझाने के लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, वो सीधे डायरेक्टली वो आंसर देखने के लिए आए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट उसको लगता है कि वो तो रटने का काम करेंगे। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, स्टैक क्या होता है, राइट ऑल ऑपरेशन ऑफ स्टैक, तो इसको समझ लेते हैं। ये इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पर इसको थोड़ा समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो स्टैक की जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है. दिस मीन्स द लास्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड इनसाइड द स्टैक इज रिमूव्ड फर्स्ट. इसका मतलब है कि इस डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट में जो डेटा स्टोर किया जाता है, निकालते वक्त सबसे पहले वही डेटा क्या होगा, निकलेगा. कहता है कि वी कैन थिंक ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एज अ पाइल ऑफ प्लेट्स ऑन टॉप ऑफ अनदर. आप देखो यहाँ पर प्लेट्स रखा है, ये प्लेट्स है, उसके ऊपर ही ये प्लेट रखे होंगे, फिर इसके ऊपर ये प्लेट रखे होंगे, इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट्स को ऊपर रखा जा रहा था. ठीक, अब जब प्लेट्स को निकालने की बारी बात आई होगी तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम जो प्लेट गया उसको सबसे पहले वही प्लेट क्या होगा, निकाला जाएगा. इसी को कहते हैं लिफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब यहाँ पर क्या है, हेयर यू कैन, आपने क्या किया, पुट अ न्यू प्लेट ऑन टॉप. आप नया प्लेट कहाँ डालोगे, टॉप से डालोगे, और रिमूव द टॉप प्लेट. और आप जब प्लेट को निकालोगे भी तो कहाँ से निकालोगे, टॉप से ही निकालोगे. ठीक है, उसी बात को यहाँ समझाया गया, यानी आपको स्टैक को अच्छे तरीके से समझा करके आंसर लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का है. एंड इफ यू वांट टू प्लेट एट बॉटम, वी मस्ट फर्स्ट रिमूव ऑल द प्लेट्स ऑन टॉप. यानी कहता है कि सबसे नीचे वाला आपको प्लेट को निकालना है, ठीक है, सबसे नीचे वाला प्लेट को निकालना है, तो पहले बारी बारी से ऊपर का सारा प्लेट को निकाल लीजिए, उसके बाद ही सबसे आखिरी वाले प्लेट को आप निकाल पाइएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क. स्टैक डाटा स्ट्रक्चर इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है. और जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग टर्म में पुटिंग एन आइटम ऑन टॉप द स्टैक इज कॉल्ड पुश. यानी कि जब आप कोई नया आइटम टॉप डालते हो टॉप पोजिशन पर, तो इस काम को पुश कहते हैं. और जब भी कोई एलिमेंट को, कोई डेटा को टॉप से हटाते हो, रिमूव करते हो, उसको क्या करते हैं, इसको पॉप करते हैं. अब यहाँ पर कहा गया है कि स्टैक पर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं. देयर आर सम बेसिक ऑपरेशन दैट अलाउज टू अस परफॉर्म डिफरेंट एक्शन ऑफ स्टैक. क्या क्या कर सकते हैं, पुश का काम होता है, पॉप का काम हो सकता है, इज एम्प्टी कि ये चेक करना है कि स्टैक खाली है कि नहीं, इज फुल ये चेक करना है कि आपका स्टैक पूरा भरा हुआ है कि नहीं. ठीक है, और एक होता है पिक, जिसको कहते हैं कि गेट द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग. यानी कि हम एलिमेंट को रिमूव किए बगैर टॉप का वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो फिलहाल आप कम से कम 4 भी लिख देंगे तो आपके आंसर के लिए काफी है. नेक्स्ट है व्हाट इज लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स देखिए आपका पिछला सेट नंबर 1 में हम समझा चुके हैं, सेम चीज है. और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है एंड गेट और ऑर गेट के बारे में. तो कुछ नहीं करना है आपको, एंड गेट और ऑर गेट के बारे में सिंपली लिख देना है, ठीक है, एंड गेट क्या करता है और ऑर गेट क्या करता है. तो ये भी सेट 1 में था, सेट 1 में आपको समझाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर आप लोग, मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ. नेक्स्ट हम लोग का एसक्यूएल कमांड लिखना है. एक टेबल है जिसका नाम क्या है, टेबल का नाम एम्प्लॉयज है. इसमें कॉलम का नाम देख लीजिए, सीरियल नंबर है, नेम है, सैलरी है, और सेक्स यानी कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है. सवाल नंबर वन ये है कि टू डिस्प्ले द नेम्स एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय. सारे एम्प्लॉय का नाम और सैलरी बताइए. तो यहाँ पर नेम नाम का भी कॉलम है और सैलरी नाम का भी कॉलम है. तो आप जानते ही हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना होता है तो हम लोग कौन सा कमांड लगाते हैं, हम लोग सिलेक्ट कमांड लगाते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय नाम के टेबल में से नेम और सैलरी को निकालिए. क्वेश्चन नंबर 2, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का नेम बताना है, लेकिन किसका, जिसका सैलरी 60,000 रुपए से ज्यादा है. ठीक है, जिसका सैलरी 60,000 रुपए से ज्यादा है. तो आपको केवल नाम निकालना है तो लिखिए सिलेक्ट नेम. केवल नाम निकालना है इसलिए नेम यहाँ पर लिखे सिलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से. कंडीशन क्या है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000. अगला क्वेश्चन जो है सी, वो कहता है टू शो द नेम एंड सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. आपको उन एम्प्लॉय का नाम और सैलरी बताना है जो फीमेल है. तो सिलेक्ट, क्योंकि नाम और सैलरी बताना है तो सिलेक्ट करके लिखिए नेम और सैलरी, कहाँ से, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से. और कंडीशन क्या था, वो सारी फीमेल होना चाहिए. तो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ. ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर. सारे एम्प्लॉय का जो है लिस्ट निकालना है, यानी सारे एम्प्लॉय का जो है लिस्ट दिखाना है, सारे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन दिखाना है. लेकिन वो किस ऑर्डर में सजा हुआ होना चाहिए, सैलरी के अनुसार. और सैलरी कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम सैलरी वाला सबसे ऊपर, उसके बाद ज्यादा सैलरी वाला, उसके बाद उससे ज्यादा सैलरी वाला, उसके बाद उससे ज्यादा सैलरी वाला. इस क्रम में जो है आपका जो है रिकॉर्ड सजा हुआ होना चाहिए. तो मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक. अब देखो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हमको सारा कॉलम का नाम चाहिए, सीरियल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए, ये सारा कुछ होगा हम लोग का. ठीक है, तो इसलिए या तो सारा कॉलम का नाम लिख सकते थे या सारे कॉलम की जगह पर मैंने एस्ट्रिक लिख दिया, एक ही बात होता है. तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई जो है इसके जरिए ही जो है आप जो है क्रम में सजा सकते हैं. तो ऑर्डर बाई सैलरी,
कि आपको सैलरी के अनुसार रिकॉर्ड को सजाना है, और सैलरी क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एएससी। एएससी का मतलब होता है असेंडिंग। तो आज हम लोगों ने सेट टू को कंप्लीट कर लिया है। सेट टू को जो है स्टूडेंट्स देखिएगा, और जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा, जिसके जिन क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ सकते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सेट होगा उसके सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू।